अगली बाउट नई बाउट जो है वाहिदुल्ला और अमैनितिन के पास के पीछ होने जा रही है। वाहिदुल्ला जो है रेड कॉर्नर में है और अमैनितिन जो इस समय होंगे अब वो होंगे ब्लू कॉर्नर में। बुलाया है लखविंदर जो निर्णायक हैं, दोनों को बताया समझा रहे हैं बता रहे हैं खेल भावना सर्वप्रथम है, खेल भावना से खेलिए। हालांकि एक दूसरे पे प्रहार करने हैं लेकिन प्रहार करने के भी नियम होते हैं, दायरे होते हैं, उस दायरे में और उस नियम में रह करके आप ये बॉक्सिंग का खेल खेलिए। तैयार, रेफरी का इशारा, दोनों बॉक्सर अपने अपने इरादों पे। यहाँ पर अमय नितिन ने शुरुआत की है वाहिदुल्ला पर। फिलहाल एक बॉक्सर को जिस तरीके का गठीला बदन चाहिए होता है, हालांकि वहाँ कम नहीं है अमय नितिन भी, और फिलहाल पहले राउंड में थोड़ा चढ़ करके यहाँ पर उनका डिफेंस करने का तरीका बड़ा अजीब सा है। अपने शोल्डर से चेहरे को ढकने का प्रयास है बजाय अपने शोल्डर ला रहे हैं, देखिए ढकने के लिए शोल्डर की ओर चेहरा ले जा रहे हैं। ये एक अपना अपना तरीका होता है दरअसल, लेकिन ये कह लिया जाए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक आदर्श तरीका होगा ये तो विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन ये मेरा पहला अनुभव है कि इस तरीके से एक प्रोफेशनल बॉक्सर को शोल्डर से अपने आप को शोल्डर आगे कर रहे हैं। यहाँ पे डिफेंस जो है ना वो उतना बेहतर नहीं है, अगर उन पे आक्रमण होता है तो वो ये देखिए अपना बायां शोल्डर के पीछे वो चेहरे को दबाने के प्रयास में। लेकिन अच्छा यहाँ पे काउंटर अटैक वाहिदुल्ला का अमय नितिन पर। फिलहाल एक बार फिर एक दूसरे को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, ये अच्छा राइट पंच उनका वाहिदुल्ला पर अमित का। दूर से प्रहार कर रहे हैं, बच रहे हैं वाहिदुल्ला अमय नितिन, दोनों के चेहरे, और यहां पर पहला राउंड समाप्त हुआ है। फिलहाल यहां पर दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है। पहले राउंड में कहा जाए तो औस्तन जो अमय नितिन हैं, यूं कह दिया जाए कि उनका थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा। एक बार फिर दूसरे राउंड में भी उसी प्रकार की वो शुरुआत कर रहे हैं। यहां पे एक अच्छा चला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे थोड़े से डिसबैलेंस हो गए थे। कई बॉक्सर एक पहेली की तरह होते हैं, शायद कई बॉक्सर ऐसे होते हैं कि अपनी एक ऊर्जा को वो इस तरीके से संगठित करके रखते हैं कि जितनी भी कसर है वो अंतिम समय में पूरी कर ली जाए। और कई मौक़ों पे देखा गया कि एक बॉक्सर राउंड दर राउंड पिछड़ता रहता है, लेकिन उसके बाद वो एक समय ऐसा भी आता है कि अपने प्रतिद्वंदी को धाराशाही कर देता है, नॉकआउट कर देता है। प्रहार कीजिए, मजा तभी आएगा। यहाँ पे अमय नितिन ने एक बार फिर अच्छा घेरा बना लिया है, रस्सी के सहारे उलझाया था। यहाँ पे छोटे छोटे पंच मारते हुए एक दूसरे को जैसे प्यार भरे पंच, पुचकार वाले पंच। यहाँ पर बिल्कुल चिपके हुए थे लखविंदर ने, एक बार फिर दोनों को अलग किया, बताया कि ये गलबैया नहीं चलेगी, यहाँ पर जूझने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। अच्छा पंच, दूसरा राउंड यहां पे समाप्त। आरिफ के पूजनीय पिताजी पिताश्री फादर साहब श्री जहीर खान जी को आप स्क्रीन में देख रहे हैं, काफ़ी समय से हैं। जी हाँ, मैं जैसे भी कह रहा था कि आरिफ खान जी बड़े प्रफुल्लित होंगे, एक पुत्र जब इस तरीके के क्रियाकलाप करता है। जी हाँ, उन्हें यूँ कह लीजिए कि जैसे पूरे देश को उन्होंने यहाँ पर एकत्रित किया है, पूरे देश को यहाँ पर संगठित किया है, और ये एक अच्छा संकेत है भारतीय बॉक्सिंग के लिए, द पंच बॉक्सिंग के लिए नहीं, स्पोर्ट्स नूडल्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी भारत की बॉक्सिंग है, हमारे देश की बॉक्सिंग के लिए एक अच्छा संकेत यहां से दिया जा रहा है। पंच चले हैं एक दूसरे पर, पलटवार, अच्छा ये ओ महमूदुल्ला वाहिदुल्ला गिरे, अब उठे, कोशिश में है, काउंटिंग जारी है। फिलहाल शायद अच्छी प्रतिद्वंदिता है यहां पर,
एक घुसा जो उन्होंने मारा था वो गिर पड़े थे, उसके बाद उठे, रेफरी ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ मैं बॉक्सिंग जारी रखूंगा, लेकिन यहाँ पर रेफरी ने इशारा कर दिया है जी हाँ ये नॉकआउट। काफी ज्यादा कदम डगमगा रहे थे वाहिदुल्ला के, और यहाँ पर उनके प्रतिद्वंदी जो रहे अमन नितिन बाजी मारने में कामयाब।